भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप सब हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना और जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आप देख सकते हैं संजू बहन हैं जो कि महाराजगंज से आती हैं और उन्होंने आज एक मैसेज भेजा है। 29 अक्टूबर को 500 रुपया उनके खाते में जमा हुआ है। इसके बारे में संजू बहन ने लिखा भी है कि संजू देवी महाराजगंज और जौनपुर वगैरह लिखा गया है, 500 रुपया आया है। सुधांशु भैया नमस्ते, भैया मेरे खाते में 500 रुपया किस रूप में आया है समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आपको इस विषय में जानकारी हो तो बताने का जो है कष्ट करें। तो संजू देवी ब्लॉक महाराजगंज है और जिला इनका जौनपुर है। तो महाराजगंज इनका जिला नहीं है, महाराजगंज इनका ब्लॉक है, तो एक महाराजगंज जिला भी है। तो ऐसे में इनका जो है क्या है, जौनपुर जिला है। तो हो सकता है किसी किसी बहन के खातों में 500-500 रुपया आज आए हो, लेकिन वो मानदेय के रूप में नहीं है। ये पैसा आपके अन्य किसी भी मद में हो सकते हैं, चाहे कि आपका जैसे मान लो आप अगर बीएलओ वर्कर होंगी शायद उसका हो सकता है, या फिर पहले अगर आपका लगा होगा मान लो सक्सेस नहीं हुआ होगा तो शायद वही अब क्लियर हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर और भी कोई बहनें हैं वीडियो देख रही हैं, अगर आज 29 तारीख को किसी के भी खातों में अगर इस तरह से मैसेज आए भी हैं तो आप जिनको जानकारी हो वो बता सकती हैं। उमंग ऐप से चेक हो जाता है, जिनका हो जाता है वो भी चेक करके बता सकते हैं। वहीं पर अगर नहीं आया बाकी किसी का तो समझ लेना कि उनका पुराना उराना हो सकता है या अन्य किसी भी मद में हो सकता है। अब देखो यहां पर आगे हम ले चलते हैं, आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो कि शायद आप लोगों के कुछ काम आ सके। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सोशल साइटों पर नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी हो रही है। आपको पता है बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में ठग जो लोग हैं वो ऐसे ही बेरोजगारों का फायदा उठा रहे हैं। और यहां पर आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए भी फर्जी के आर्टिकल निकाले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के भी निकाले जाते हैं, रेलवे में भर्ती वगैरह का भी यहां पर झांसा दिया जाता है और ऐसे करके जालसाज लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं और पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं। आप सबको क्या करना है, आप सबको इनसे सावधान रहना है। देखिएगा पोस्ट ऑफिस भर्ती करके कि विज्ञापन टाइप का यहां पर दिख रहा, पोस्टमैन 5वीं पास 26,000 रुपया, डाकिया 8वीं पास 28,000 रुपया, ग्रामीण डाक सेवक 10वीं पास 38,000 रुपया। मैं आपको बता दूं ये एकदम से फर्जी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डाक विभाग में इतना ग्रेड पे नहीं होता, 20 के आसपास जो है सैलरी स्टार्ट होती है। अब समझ रहे हैं यहां पर ये 38,000 रुपया बता रहे हैं, तो अब वो भी है बाकी ये चीजें फर्जी हैं। तो ऐसे किसी भी तरह के आर्टिकल अगर आपको फोन में सोशल साइटों पर मिल जाते हैं तो आप उन पर यकीन मत किया करो। काफी लोग क्या करते हैं, पोस्ट डाल देते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिख देते हैं किसी को जॉब चाहिए तो कमेंट में संपर्क करे, नंबर दे दे, कागजात भेज दे, और काफी लोग धड़ल्ले से अपने अपने नंबर उसमें डालने लग जाते हैं। यही दर्शाता है लोगों का कि वो कितने जागरूक हैं। तो ऐसे में ही ऐसे लोग जो है क्या होते हैं, जालसाजों के ठगी का शिकार बन जाते हैं। यहां पर ये साइबर थाना प्रभारी हैं सारनाथ जी, आइए देखते हैं इन्होंने इस मामले में क्या कहा। सोशल साइट पर पोस्ट वैकेंसी पर बिना पड़ताल किए भरोसा बिल्कुल भी ना करें। इन साइटों पर दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। संबंधित विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर नौकरियों के संबंध में पड़ताल करें। ठगी की कई शिकायतें सामने आई हैं। तो आपको हमने भी बताया है जब भी कुछ होता है, वैसे अपने विभाग से रिलेटेड कभी भी कुछ होगा तो ऑल इंडिया पर सच्ची खबरों में जरूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है, अगर अलग से आपको कुछ चीजें मिल रही हैं ऐसी को, जैसे कि सुपरवाइजर भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के तमाम फेक वीडियो और फेक जो है खबरें आती रहती हैं, तमाम वेबसाइटें भी बनी है फेक टाइप की, उसमें भी ऐसे आर्टिकल आते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी लिख दी जाती है और योग्यता बहुत ही कम लिखी जाती है, कभी 5वीं पास कभी 8वीं पास, क्योंकि ऐसे ही वो लोग हैं जो 5वीं 8वीं 10वीं पास बैठे हैं, उन लोगों को समझ नहीं है इतनी कि आज के समय में बेरोजगारी कितनी है, और उनको लगता है 5वीं 8वीं 10वीं पास को नौकरियां बट रही हैं और सैलरी लिख दी जाती है 38,000 40,000 60,000, और वो लालच में आ जाते हैं क्योंकि उनको उतनी समझ ही नहीं है। एक तो
समझ कहां से आएगी? पांचवीं आठवीं दसवीं पास है। अब आप सोचो कि कितना उनका माइंड उतना मैच्योर होगा इन चीजों को समझने के लिए आज की जनरेशन के हिसाब से। तो वही चीजें, और ऐसे ही लोग ठगी का शिकार होते हैं और ऐसे ही लोगों को वो लोग निशाना बनाते हैं, और इसीलिए कम योग्यता भारी भरकम सैलरी के आर्टिकल आपको देखने को सोशल साइटों पर मिलते हैं और लोग उसी में फंस जाते हैं। अब देखो यहां पर बताया जा रहा कि बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए जालसाज फेसबुक इंस्टाग्राम जैसी सोशल साइटों को जरिया बना रहे हैं। सरकारी विभागों में वैकेंसी का फर्जी पोस्ट डाल करके उन्हें झांसा दे रहे हैं, भर्ती के लिए लिंक भी भेज रहे हैं। इनके छलावे में आकर कई युवक हजारों रुपए भी गंवा चुके हैं, क्योंकि मान लो कोई लिंक दे दी, आपको इतना पता नहीं लिंक कैसी है क्या है, आप सोचते हैं इस पर आवेदन करना है, तुरंत टच कर दिया। अब बहुत सी ऐप ऐसी होती है जिनको अगर आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, और वो तो फिर कई तो ऐसी है जो आपका पूरा जो है वो डोमेन ही बदल जाएगा, आप जो है यानी एडमिन ही तरह से मान लो कि वो बन जाएंगे उसमें। तो वहां पर क्या होता है कि आपके फोन को चाहे जैसे वो चला सकते हैं, या ऐसे समझो कि कोई ऐप डाउनलोड कर लिया आपके फोन को, वो क्रैक कर सकता है अंदर से जो भी आपके पासवर्ड वगैरह है, जो भी साइटों में आपने लॉग इन किया होगा वो सबके सब वो हैक कर सकते हैं और सबके सब उनके पास चले जाएंगे। फिर आपका कोई भी अकाउंट हो सोशल साइट का या जैसा भी हो, वो सब उनके कब्जे में होगा। चाहे आपका जैसे गूगल पे फोन पे जैसे एप्लीकेशन यूज करते हो, इनमें भी धोखाधड़ी के फिर चांस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सबको क्या करना है कि फेक साइटों पर बिल्कुल भी विजिट नहीं करना है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइटें होती हैं उनको आप जो है देखें और उन पर क्लिक करें, और अगर नहीं पता कि ये ऑफिशियल है कि नहीं है तो बिल्कुल भी टच ना करें। किसी जागरूक इंसान से आप सलाह ले लें, उससे पूछ लें तो ज्यादा बेटर है, बजाय कि आपको जानकारी नहीं है और जहां आप चाहा वहां आपने टच कर दिया। यही जो है दिक्कतें आने वाले समय में ज्यादातर उन लोगों को होंगे जो जागरूकता नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखो मंडुआ डी पड़ता है क्षेत्र, वहां का पहाड़ी गांव निवासी संतोष यादव, उन्होंने फेसबुक पर रेलवे में अप्रेंटिस के 22,200 रुपया जो है वेतन वाले पद के लिए आवेदन किया। उसने जो है यहां पर आईटीआई किया और आवेदन के लिए पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक किया, शुल्क और अन्य प्रक्रिया के नाम पर 8,000 रुपए ऑनलाइन जमा किए। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया, ना ही आगे की प्रक्रिया पूरी हुई, क्योंकि भैया 8,000 वगैरह पैसे थोड़ी कोई मांगेगा आपसे, फॉर्म फीस पड़ती है तो 100-150 काफी, उसमें भी फर्जीवाड़ा चलता है। फेक साइट बनाई, फेक जो है यहां पर आपको लिंक दे दिया पेमेंट करने के लिए, और ऐसे ही 100-150 करके भी लाखों रुपए करोड़ों में डकार लिए जाते हैं। अब देखो कोनिया निवासी अजय कुमार ने फेसबुक पर आंगनबाड़ी में भर्ती देखी, कार्यकर्ती के पद के लिए 24,000 रुपए का वेतन देख करके अपनी भाभी के नाम से आवेदन किया। बताओ यहां इतने दिन से लोग जुड़ी है, बहने हमारी न जाने कब से काम कर रही है, अभी भी तमाम स्टेटों में 4,000-5,000 के समथिंग मानदेय मिलता है। अब आप बताओ, और ये लोग 24,000 मानदेय देख रहे हैं जो कि अभी तक पूरे अपने भारत देश में किसी भी स्टेट में आंगनबाड़ी बहन को नहीं मिलता। अब ऐसे फर्जी के आर्टिकलों को वही लोग देखते हैं जो जिनको जानकारी नहीं है, जो जागरूक नहीं है, और इसीलिए कहता हूं ऑल इंडिया से जुड़ो और जागरूक बनो, डेली खबरें देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में 24,000 रुपए वेतन वाली सैलरी के फर्जी साइट पर क्लिक करके और ऐसे धोखाधड़ी का ये शिकार हो गए। कागजात अपलोड करने के बाद 10,000 रुपया ऑनलाइन जमा किए, इसके बाद साइट बंद हो गई। इनके अलावा शहर के कई युवकों को भी जालसाजों ने शिकार बनाया, 36,000 सैलरी का लालच दिया। फेसबुक के पोस्ट में ऐसे पद भी हैं जो विभागों में है ही नहीं, रेलवे में अप्रेंटिस असिस्टेंट जो है रेजिडेंट के लिए 22,000-32,000 रुपया वेतन का लालच दिया जा रहा है। बताओ ऐसे भारी भरकम, मैंने कहा ना भारी भरकम सैलरी और जो है कम से कम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दिखा करके पोस्ट जो है वायरल की जाती है थंबनेल के साथ, और लोग लालच में आते हैं और क्लिक करते हैं और जालसाजों के जो है ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो आप सब इस ठगी का शिकार ना हो, इसीलिए आप ऑल इंडिया पर विजिट किया करें, डेली की खबरों को देखा करें, जो यहां बताया जाएगा वो सच होगा, जांच पड़ताल होती है। अब देखो यहां पर अब आपको बताते हैं भर्ती मामले में क्या चल रहा है। SSC में भर्तियां निकली हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, पढ़ते लिखते हैं, तो ऐसे लोग क्या करें, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर CAPF वगैरह और आपका SSF वगैरह में कांस्टेबल के 24,369 पदों की भर्तियों के लिए आवेदन जो है यहां पर मांगे जा रहे हैं। अभ्यर्थी कर सकते हैं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको हम CAPF बोलते हैं, तो यहां पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी
बोलते हैं, तो कांस्टेबल जीडी के ये पद हैं। असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आप सब कर सकते हैं और ये पूर्णतया सत्य है। जो मैं बताऊंगा वो सत्य होगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुना करें। अब देखो यहां पर कहना है इनका कि इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2023 में जनवरी में हो जाएगी। 10वीं उत्तीर्ण 18 से 23 आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी चीजें आप आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इस बारे में कई आर्टिकल आए, एक तो ये कांस्टेबल के 24,369 पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन प्रयागराज से एक ये लेटर यानी एक ये पोस्ट निकली जो कि पूर्णतया सत्य है। एक और ये पोस्ट आई एसएससी जीडी वगैरह में, देखो 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, ऐसे करके दिया है। हाँ भर्ती तो निकली है, लेकिन ध्यान देना परीक्षा पैटर्न में 5 बड़े बदलाव इस बार कर दिए गए एसएससी की तरफ से। 60 दिन का कोर्स दिलाएगा, 130 प्लस जो है यहां पर अंक। तो ये तो अपना जो बेचने के लिए कोर्स वगैरह भी ये छाप देते हैं कि इतने घंटे का कोर्स है, ये फायदा होगा वो फायदा होगा, ये खरीद लो वो खरीद लो, ऐसे तमाम आप लोगों को जो है पढ़ाने वाले जो चैनल है वो लोग आपको कोर्स देते हैं। अब उनमें भी कई क्या है, कई जो है ओरिजिनल होते हैं जो पढ़ाते हैं वही कोर्स बेच रहे हैं, और कई फर्जी के भी लोग जो है ऐसे ही जो है बाकी जो कोचिंग बढ़िया बढ़िया चल रही है ऑनलाइन उनके जो है आधार पर भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उनमें भी क्या करते हैं, उनके नाम पर बच्चों से पैसे अट लेते हैं। काफी बार कई कोर्स तो कोचिंगें बहुत सी हैं जो फ्री चलाती हैं, लेकिन बहुत से ठग लोग क्या करते हैं उन्हीं चीजों को वो बेच रहे हैं उन्हीं के फर्जीवाड़े स्वरूप। तो ऐसे में इन चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जहां से जिनका कोर्स परचेज कर रहे हो उनके चैनल के आप एक तरह से जो है उनको देखो समझो वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं, वो खुद बोले हैं या कुछ और है जो एडिट करके दिया जा रहा है आपको। अब देखो नए पैटर्न से होगी परीक्षा, पहले परीक्षा 100 अंकों की होती थी, अब 160 अंकों की होगी। पहले आपको बता दें कि 90 मिनट मिलते थे, लेकिन अब 60 ही मिनट मिलेंगे, क्योंकि पहले 100 जो है यहां पर प्रश्न आते थे, अब प्रश्नों की संख्या 80 कर दी गई है, और प्रत्येक पहले अंक जो यानी एक प्रश्न एक अंक का होता था, अब एक जो है प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। 80 प्रश्न होंगे यानी कि 160 अंकों की परीक्षा होगी। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने इस बार सभी श्रेणियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दे दी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से भर्ती वर्ती नहीं देखने को मिली होंगी ना, इसीलिए 3 साल तक की छूट भी है। तो जिनका भी मान लो जो है एज थोड़ा बहुत कम भी पड़ रहा था बाद में यानी जो है ओवर हो रहे थे ऐसे लोगों को इसमें जो एज में छूट मिल जाएगी। अब देखो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है यानी हमारी भारत सरकार यानी आप कहो कि नरेंद्र मोदी सरकार, तो यहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का एक यहां पर स्टेटमेंट आया है कि पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है, मैं यह आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें 5, 50 या 100 साल लग जाए, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक वर्दी होनी चाहिए पुलिस के लिए, तो हर राज्य में एक ही तरह की वर्दी हो पुलिस के लिए, ऐसा यहां पर इनका कहना है। और देखते हैं इसको विस्तार से, लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूरे देश में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म का सुझाव दिया है। राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है, मैं यह आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा, और इसके बारे में सोचो और अगर उचित लगे तो इसे जरूर अपनाएं। यह 5, 50 या 100 सालों में हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए, इससे देश भर में पुलिस की पहचान एक जैसी हो सकेगी, राज्य एक दूसरे से सीखेंगे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिदृश्य में उभर रही चुनौतियों के मद्देनजर जो है तकनीकी में महारत हासिल करने और सबको मिलकर के काम करने को कहा है। उन्होंने राज्यों से बेहतर तकनीकी और अच्छे प्रयोग साझा करने को भी कहा है ताकि चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सभी राज्य देश की जो है बेहतरी के लिए मिलकर के काम करें, राज्य एक दूसरे से सीखें प्रेरणा लें, और यूएपी वगैरह जैसे कानून में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाइए। तो इस तरह से कुछ मैटर आए जो कि फ्यूचर का इनका एक प्लानिंग है कि जो भी पुलिस है हर एक स्टेट में उसकी वर्दी जो है सेम होनी चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है, राज्य क्या चाहते इस मैटर पर। बाकी आपको बता दें कामनी बहन कानपुर देहात से आती हैं, मड़वाई में आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी पर बिफरे हैं डीएम। तो ये मड़वाई स्कूल में डीएम ने ली है बच्चों के पठन पाठन की जानकारी। तो ये कानपुर देहात का दरअसल मामला है, डीएम नेहा जैन है, इन्होंने शुक्रवार को अकबरपुर क्षेत्र की गोद लिए गए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़वाई का निरीक्षण किया। विद्यालय परिसर से सटे आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी देखी और डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण
शरण भी तलब करने के निर्देश दिए। बताओ ऐसे कौन वो बहनें होंगी जो है तालाबंदी करके जो है घर में होंगी। अब मैं कहना चाहूंगा कि बहनों आप सब ध्यान दिया करें, जो भी ऑल इंडिया से जुड़ी है वो बहनें तो मुझे लगता है कि कभी भी अपने सेंटर मिस नहीं करती होंगी, वो तो डेली जाती होंगी। बाकी देखो काफी बहनें ऐसी हैं जो कि अपने सेंटर जांच के दौरान उनके बंदी मिल जाती है तो फिर होती जाती हैं कार्रवाइयां। अब देखो विद्यालय परिसर बंद पाए जाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं, तो आइए आपको हम सीधा निर्देश ही दिखाते हैं क्योंकि ऑल इंडिया बात करता है हमेशा सबूतों पर। अब देखो यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात 28 अक्टूबर का लेटर श्री संजय कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती शशिबाला सुपरवाइजर और श्री शैलेंद्र कुमार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इनको लेटर भेजा गया है 21/10 वगैरह को जो आकस्मिक निरीक्षण वगैरह किया गया उसके संबंध में। तो आइए पहले तो इसको देखते हैं और उसके बाद फिर आते हैं स्पष्टीकरण वाले लेटरों पर। इसमें लिखा है 0 से 6 माह के बच्चों का मिलान पोस्टर ट्रैकर से रजिस्टर में किया गया परंतु मिलान ना हो सका। ठीक, यानी गलत चीजें वहां पर जो है देखने को मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास अलग से वजन पंजिका उपलब्ध नहीं है और कार्यकर्ती इसे स्वीकार करती हैं कि पृथक वजन पंजिका नहीं बनाई गई अपितु राशन वितरण पंजिका में ही 25 बच्चों के वजन लिखे गए। अब देखो पोषण ट्रैकर ऐप की जांच आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विभागीय मोबाइल में करने पर यह ज्ञात हुआ कि विगत 3 माह के सभी लाभार्थियों का वजन ऊंचाई लंबाई ये सब दर्ज है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना रजिस्टर में आंकड़े दर्ज किए हुए बिना वजन लिए ही पोषण ट्रैकर में फीडिंग की गई और PLI प्राप्त किया गया। तो देखो ये बात तो हकीकत है, अगर कोई बहन बच्चों का वजन करती है, आप सब खुद ही जानती हैं, आप सब अगर हर महीना राशन वितरण के दौरान वजन करती हैं तो क्या आप डायरेक्ट जो है अपना उस पर तो भरेंगी नहीं, वजन पंजिका भी आपने बनाई है तो पंजिका पर भी तो आप अंकन करेंगी, उसमें भी तो लिखेंगी। मान लो अगर नहीं लिख रही है तो आप ये गलती आगे ना दोहराएं, इसीलिए मैं आपको यहां पर जागरूक करना चाहूंगा, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो उसको लिखना शुरू करिए, पंजिका भी वजन की होनी चाहिए और पोषण ट्रैकर पर भी भरा होना चाहिए। मान लो अगर आप डायरेक्ट भर रही हैं तो क्या सबूत उनको दे पाएंगे कि आपने वजन किया था, कैसे किया था, वो कहां लिखा तो कहीं रिकॉर्ड में है नहीं, तो ये भी हो सकता कि फर्जी भर दिया गया हो। तो इसीलिए जो करो वो पुख्ता करो। संभव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप 1 की रिपोर्ट परियोजना कार्यालय में हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराई गई परंतु केंद्र पर उक्त रिपोर्ट को मिलान करने के लिए कोई भी अभिलेख या प्रारूप उपलब्ध नहीं था। कुल 156 लाभार्थियों के वजन उम्र और लंबाई ऊंचाई का रिकॉर्ड अद्यतन प्रत्येक माह करना होता है। इस पर कार्यकर्ती निशा के द्वारा कहा गया कि कैसे प्रत्येक माह इतने बच्चों का वजन और रिकॉर्ड रखा जा सकता है, बताओ, ऐसे जो है यहां पर बोला गया। लेकिन बहुत से हमारी बहनें ये चीजों को रोज यानी हर महीना राशन वितरण के दौरान करती हैं। सामुदायिक आधारित गतिविधियों को मिलान के दौरान यह पाया गया कि अंतिम गतिविधियां 12/7/2022 को गोद भराई के रूप में दर्ज हैं। इसके बाद 30/4/2019 की तिथि में गतिविधि का अभिलेख अद्यतन है, बीच की अवधि के रिकॉर्ड उपलब्ध और अद्यतन ही नहीं है। बताओ 12/7/2022 के बाद कुछ उसमें लिखा ही नहीं है। अब बताओ 8वां महीना 9वां महीना 10वां महीना चल रहा है, इतने महीने बीत गए और कोई गतिविधि का मेंशन नहीं है। इसीलिए कहता हूं रजिस्टर मेंटेन सब पूरा रखा करो। निरीक्षण उपरांत मंडल समन्वयक द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ती के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। उपरोक्त निरीक्षण आख्या से स्पष्ट है कि केंद्रों पर कार्यकर्तियों के द्वारा पोषण ट्रैकर वजन पंजिका लाल और बच्चों की पंजिका ड्राई राशन से संबंधित पंजिका अद्यतन पूर्ण नहीं है, इसमें आपके एवं संबंधित सुपरवाइजर के पर्यवेक्षण में स्पष्ट लापरवाही भी दर्शित होती है और साथ ही क्षेत्रीय सुपरवाइजर के द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से केंद्रों का संचालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे विभागीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है, इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। उक्त निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि सुपरवाइजर द्वारा केंद्र का निरीक्षण काफी समय से नहीं किया गया तथा संबंधित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा भी अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा, अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण में पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण करके संबंधित सुपरवाइजर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित स्वयं और का जो है साक्ष्य और स्पष्टीकरण भी वहां पर प्रस्तुत करें। आंगनबाड़ी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। राकेश यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात। तो आप देख रहे हैं तो ऐसी कोई भी गलती ना करो जो कि आपके लिए दिक्कत खड़ी करे। अब आगे देखो DPO जी का के लेटर और आया 28 तारीख को राकेश यादव जी का और श्रीमती यहां पर संजू जी और सीता जी इनके लिए आया और इनके लिए देखो यहां पर लिखा भी गया है कि यहां पर आप देख सकते हो
कि निरीक्षण के समय आप केंद्र पर अनुपस्थित पाई गई तथा सहायिका श्रीमती सुनीता और श्रीमती कमलेश जो है वती वगैरह की केंद्र पर उपस्थित वगैरह थी, यानी ये जो केंद्र पर उपस्थित थी, सहायिकाओं के द्वारा केंद्र के संबंधित कोई भी अभिलेख अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए। केंद्र संचालन के समय कार्यकर्ती का केंद्र पर अनुपस्थित रहना आपके कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है। स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा लाभार्थी बच्चों को पोषाहार का वितरण न करके पोषाहार का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा राज्य पोषण मिशन से संबंधित विभागीय कार्य और अन्य गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पोषाहार का वितरण नहीं किया जाता है, तो क्यों ना उपरोक्त आधार पर आपके विरुद्ध केंद्र पर नियमित संचालन न करने, लाभार्थियों को पोषाहार और नियमित वितरण न करने, राज्य पोषण मिशन के कार्य जो है कार्य है उनमें लापरवाही बरतने के कारण आपके मानदेय से पोषाहार की वसूली करते हुए मानदेय सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाए। देखो, एक तो नौकरी जाने के लिए भी बोल रहे हैं और उस उल्टे जो मानदेय मिलता है या मिला या उसी से रिकवरी भी की जाएगी पोषाहार की। अब आप समझ रहे ना कि कितना घातक होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपरोक्त बिंदुओं पर नोटिस प्राप्त होने के 3 दिन में अंदर अपना सुसंगत साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण दें और यदि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता, असंतोषजनक जवाब मिलता है तो मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आपका जो है पूर्ण जो है इसका उत्तरदायित्व होगा। 28/10/2022 का मानदेय रोका जाता है। तो आप देख रहे हैं अनुपस्थित मिली एक दिन तो उस दिन का मानदेय भी रोक दिया गया। आगे के लिए भी वो बोल रहे हैं। अब देखो अगला लेटर डीपीओ का यहां पर 28 का ही श्रीमती जो है यहां पर अवलाख जी का है, आंगनबाड़ी केंद्र इनका मड़वाई पड़ता है। इनमें इनका देखो क्या हुआ, इनका लिखा है कि केंद्र बंद होने के कारण केंद्र से संबंधित कोई भी अभिलेख का सत्यापन नहीं किया जा सका। केंद्र संचालन के समय कार्यकर्ती का केंद्र पर अनुपस्थित रहना आपके कार्य के प्रति उदासीनता लापरवाही को दर्शाता है। स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा लाभार्थी को पोषाहार नहीं दिया जा रहा। इस तरह से देखो सेम वही चीजें लिखी गई हैं और यह भी लिखा गया है कि लापरवाही बरतने के कारण आपके मानदेय से पोषाहार राशि की वसूली जो है करते हुए मानदेय सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाए। इस तरह से देखो उन्होंने लिखा कि 3 दिन का इनको भी समय है और संतोषजनक स्पष्टीकरण दें, अन्यथा यहां पर 28 का आपका भी मानदेय रुका है, इनका भी, और उसके अलावा आगे की वरना फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आगे देखो यहां पर मुन्नी बहन है शाहजहांपुर से आती, जिनके द्वारा फोटो भेजी गई। मधु बहन फतेहपुर से आती है और ये सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती है। इस तरह से कुछ बहनों ने फोटो भी भेजी है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको